आज हम मैं हिस्ट्री ऑफ यूएसए का लेक्चर जो है उसका एक डेमो शेयर करती हूँ। हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ यूएसए। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का मेन कंसर्न होता है कि हमें बुक्स बताएं, रिसोर्सेज बताएं, तो ये कुछ बुक्स हैं जिनको मैं खुद पर्सनली कंसल्ट करती हूँ। सबसे पहले तो ये माजुमदार यूएस हिस्ट्री की बुक है। ये लोकल ऑथर की बुक है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को होता है कि हमें कोई ऐसी बुक प्रोवाइड कर दें जिसमें हम थोरली जो है वो सिलेबस उसको देख सकें। लेकिन मेरा ये पर्सनली ये मानना है कि आप एक यूनिक जो सीएसएस है वो देखें, यूनिक किस्म का जो चलें। अच्छा, सबसे पहले हम बुक रिसोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। मेरी पर्सनल ये राय है कि इंसान को एक जब एक वो एक बड़े मकसद के लिए जा रहा हो तो उसको थोड़ी एफर्ट्स जो है वो थोड़ी ज्यादा कर लेनी चाहिए। तो मैं ज़रा लोकल बुक्स के ऊपर या जो आम मार्केट में बुक्स मिलती हैं उनके ऊपर ज़्यादा रिलाई नहीं करती। तो ये जो मेरे दो मेन रिसोर्सेज होंगे थ्रू आउट द जर्नी, एक ये होगा द अनफिनिश्ड नेशन। ये एलन ब्रिंकले की बुक है, बहुत ज़बरदस्त बुक है ये, अ कंसाइज हिस्ट्री ऑफ द अमेरिकन पीपल। मैं चाहूंगी कि आप लोग साथ साथ इसको जो है वो कंसल्ट करें और मेरे लेक्चर्स भी जो है वो इन्हीं बुक्स में से हुआ करेंगे, और जो कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज वगैरह कुछ जो हम डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह उसमें से हुआ करेंगे। और सेकंड जो बुक है वो है अमेरिकन ओडिसी बाय गैरी नैश, ये भी बहुत जबरदस्त बुक है। और एक लोकल बुक जो आप लेना चाहें जिसमें आप चाहते हैं कि आप मतलब एक थोरो आपको सिलेबस मिल जाए, जो सीएसएस का हमारा कंटेंट है वो मिल जाए, तो वो आप ये एक लोकल बुक है, ये आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, जो फर्स्ट बिल्कुल हम चैप्टर है वो जो स्टार्ट करेंगे वो है द कोलिजन ऑफ कल्चर्स। इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास क्या आता है। हम देखेंगे कि अमेरिका जो है वो कोलंबस के अराइवल से पहले किस तरह का था, फिर ऐसे क्या सूरत हाल पैदा हो गई कि जो यूरोप है उसने वेस्टवर्ड की तरफ देखना शुरू किया, उसको मतलब कौन कौन से हालात पेश आए कि अमेरिका जो बिल्कुल एक एक हिडन कॉन्टिनेंट था वो फिर दुनिया की नजरों में आया, उसके पीछे कौन कौन सी कोशिशें थी। फिर हम देखेंगे कि अराइवल ऑफ इंग्लिश। अच्छा, अक्सर एक जो मिसकंसेप्शन स्टूडेंट्स को यहाँ पे होती है वो ये होती है कि वो ये समझ लेते हैं कि जो इंग्लैंड था वो ही सबसे पहले अमेरिका में पहुंचा, जिसको हम आज यूके बोलते हैं। इन लोगों ने वहां पर अपनी सेटलमेंट स्टार्ट की, कॉलोनीज बनाई, लेकिन इस तरह नहीं है। सबसे पहले जो है ना वो यूरोपियंस, उनमें सबसे पहले स्पेनिश आए थे जिन्होंने यहाँ पर आके अपनी कॉलोनीज वगैरह स्टार्ट की। उसके बाद पुर्तगेज आए थे और बहुत सारे आए थे, तो इसको हम जो है वो नेक्स्ट देखते जाएंगे। अच्छा, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले के जब यूरोपियंस जो थे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो नेटिव सोसाइटीज थी अमेरिका में वो साउथ के लोग किस तरह डिफरेंट थे नॉर्थ के लोगों से, और प्री कॉन्टेक्ट पीरियड में। प्री कॉन्टेक्ट पीरियड मतलब जब यूरोपियंस आए थे तो उससे पहले जो नेटिव अमेरिकन रह रहे थे उनमें जो नॉर्थ वाले थे और जो साउथ वाले थे वो किस तरह डिफरेंट थे। अच्छा, इसको हम मैं आपको बताती चलूँ कि इसको हम इसलिए देखेंगे क्योंकि इवन आज भी हम देखें तो अमेरिका में एक ये टसल है नॉर्थ के लोगों में और साउथ के लोगों में। और मतलब टसल क्यों है, इसके पीछे मतलब हिस्ट्री की क्या वजूहात हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है, कि आखिर क्या वो हालात थे जिन्होंने लीड किया और आज की अमेरिकन हिस्ट्री को जो है आज के अमेरिका को शेप किया। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि यूरोपियंस के आने पे वहां के जो नेटिव लोग थे उनके ऊपर क्या इफेक्ट हुए, वो किस तरह से अफेक्ट हुए। और फिर हम पैटर्न्स देखेंगे सेटलमेंट के, स्पेनिश लोगों ने किस तरह से कॉलोनीज बनाई, इंग्लिश ने किस तरह से बनाई, फ्रेंच और जो डच इमिग्रेंट्स थे उन्होंने किस तरह से काम किया, और ऐसे उनके मतलब क्या पैटर्न डिफरेंट थे कि उनमें से किसी एक को जो है वो सक्सेस मिली, यानी कि इंग्लिश को, और बाकी सारे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते गए। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कवरी ऑफ अमेरिका पे आते हैं। 1000 ईयर्स अगो, तकरीबन कहा जाता है कि आज से 10,000 साल पहले जो थे जो वहाँ के नेटिव अमेरिकन हैं, जो बिल्कुल वहाँ के पहले के रहने वाले लोग हैं, वो तकरीबन 10,000 साल पहले जो है वो ये एक बैरिंग स्ट्रेट है, बिल्कुल रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स को जो है वो कनेक्ट करती है। ये तकरीबन 79 माइल्स की एक जगह है। कहा यह जाता है कि जो हिस्टोरियंस है उनका ख्याल है कि तकरीबन 10,000 साल पहले जब एक आइस एज स्टार्ट हुआ था, तो ये जो आपको जितना ये ओशन का पार्ट नजर आ रहा है ना, ये सारी आइस
थी यहाँ पे, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता था कि लोग, जैसे कि हम सबको पता है कि आर्किक पीरियड था, तो लोग हंटिंग वगैरह करते थे। तो लोग क्या करते थे, यहाँ के जो एशियंस थे वो बिग गेम करते थे। बिग गेम का मतलब होता है कि बहुत बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, और आप उनके पीछे मतलब कुल्हाड़े या जो भी उस टाइम वहां पे टूल्स यूज होते थे वो लेके भागते हो, और वो लोग भागते भागते, ये वाला एरिया तो क्योंकि आइस से था तो ये बर्फ से ढका हुआ था, तो यहाँ पर समुंदर नहीं था, वो लोग भागते हुए यहाँ से इस एरिया से इस एरिया में आ गए, और जब वो आइस एज खत्म हुई तो ये वाला एरिया जो है वो दोबारा से पानी का हिस्सा बन गया, ठीक है। अब ये वाला जो पूरा पोर्शन है यूनाइटेड स्टेट्स का, ये पूरा कॉन्टिनेंट और इस पूरे जो एशिया का कॉन्टिनेंट है, इसका जो है रब्ता खत्म हो गया आपस से। अब इस दुनिया को और इस दुनिया को नहीं पता था कि इस तरफ भी कोई दुनिया आबाद है, ठीक है। अच्छा, ये यूनाइटेड स्टेट्स का, सॉरी, जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसका एक मैप है। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ, मुझे भी काफी अर्सा था कि ये कंफ्यूजन रही थी कि जब हम यूनाइटेड अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो शायद उसमें सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स आते हैं, नहीं इस तरह नहीं है। सबसे पहले हमारे पास जो है ये पूरा जो आपको नजर आ रहा है ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ये अमेरिका नहीं है, ठीक है। अमेरिका सिर्फ ये है जिसको हम यूनाइटेड स्टेट्स बोलते हैं ना, ये हमारे पास आज का अमेरिका है। जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसमें हमारे पास देखें नॉर्थ आता है, सबसे पहले ये नॉर्थ का हिस्सा है। नॉर्थ में तीन कंट्रीज आते हैं, ठीक है, कनाडा आता है, अमेरिका आता है और मेक्सिको आता है। ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। और ये वाला जो है ना ये हमारे पास साउथ अमेरिका है, इसके नीचे भी कुछ, अगर आप पूरा वर्ल्ड मैप देखेंगे ना, ये बेलीज, गोटेमाला और निकारगोवा, ये सिर्फ ना नॉर्थ अमेरिका का मैप यहाँ पे शो किया हुआ है। ये जो आपको कंट्रीज नजर आ रहे हैं ये साउथ अमेरिका के हैं, ठीक है। तो जब अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये पूरे के सारे कंट्रीज आ जाएंगे, अमेरिका, ये कनाडा, मेक्सिको, बेलीज, गोटेमाला, निकारगुआ, ये सारे उसमें आते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं बात करूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तो सिर्फ ये वाला जो है ना वो पोर्शन आएगा उसमें। अच्छा, एक ओवरव्यू देती चलो, बाद में हम इन सारे जो पॉइंट्स हैं इनको हम एलाबोरेट करेंगे, पूरा डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले ये है कि जब 15th सेंचुरी का एंड था ना, तब जो है वो यूरोपियंस ने इधर लैंड किया। ये सिर्फ मैं आपको एक मेन ओवरव्यू दे रही हूँ, कैसे लैंड किया, क्या हालात पैदा हुए, इसको हम आगे डिटेल में देखते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट कांटेक्ट हुआ यूरोपियंस का नेटिव अमेरिकन के साथ, वो 15th सेंचुरी में हुआ, 15th सेंचुरी के एंड में। जैसे कि हमें पता है 1492 में कोलंबस आया था, ठीक है। तो कहा, हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा ट्रेजिकली ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस रहा है नेटिव्स के लिए। क्यों रहा है? सबसे पहले तो ये कि जो यूरोपियंस थे वो अपने साथ बहुत ज्यादा डिजीजेस थे, क्या है जिनमें सबसे ज्यादा जो नोटिसेबल है वो स्मॉल पॉक्स था, ठीक है। इससे क्या हुआ कि वहाँ के जो नेटिव अमेरिकन्स थे उनमें वो इम्यूनिटी नहीं थी कि वो इन डिजीजेस के साथ मतलब कोप कर सकते। वहां पर बहुत ज्यादा जो है ना मिलियंस ऑफ पीपल की डेथ होना शुरू हो गई। इससे क्या हुआ, एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक चेंज आया। अच्छा, अब वहां पर जो एग्जिस्टिंग सोसाइटीज थी वो वीकन होना शुरू हो गई। फिर क्या था, जो स्पेनिश थे और जो पोर्चुगीज थे इनके लिए बहुत ज्यादा आसान हो गया कि वो वहां पर जो एग्जिस्टिंग अमेरिकन एम्पायर्स हैं उनके ऊपर टेक ओवर कर लें, ठीक है। ये तो एक ओवरव्यू है, इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, ये हमारे पास टाइमलाइन आ जाती है। सबसे पहले ये कि तकरीबन 11,000 ईयर्स अगो माइग्रेशन जो है इनटू अमेरिकास बिगिन हुई। इसको हम अमेरिकास क्यों कहते हैं, क्योंकि एक नॉर्थ अमेरिका है, एक साउथ अमेरिका है, ठीक है। तो इसमें जो है वो 11,000 ईयर्स अगो ये स्टार्ट हुई। सबसे पहला जो इनकाउंटर हुआ वो 1492 को हुआ, कोलंबस का जो पहला अपना वोवेज था, हम इसको जर्नी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये समुद्री सफर था, वो 1492 को था। उसके बाद 1497 में जो था वो कैबट ने नॉर्थ अमेरिका को एक्सप्लोर किया। ये सिर्फ एक टाइमलाइन है, इसके आगे जो हम प्रॉपर है वो आगे देखेंगे। ओवरव्यू एक दिया जा रहा है आपको, ठीक है, कि हम आगे क्या क्या देखेंगे। 1502 को क्या हुआ था कि जो स्पेनिश थे उन्होंने अफ्रीकन स्लेव्स जो थे ना अफ्रीका से ला ला के वहां पर बसाने शुरू कर दिए, क्योंकि वहां पर उनको बहुत ज्यादा क्रॉप्स चाहिए थी और उनकी कल्टीवेशन के लिए लोग नहीं थे, तो अफ्रीका से ला ला के उन्होंने यहाँ पे आबाद किए। 1580 to 1530 में क्या हुआ, स्मॉल पॉक्स जो थी उसने इंडियंस को बहुत ज्यादा तादाद में मारना शुरू कर दिया, और वहां पर बहुत ज्यादा लोग जो है वो
वहां पर बहुत ज्यादा एक डेमोग्राफिक चेंज आया। 1519 से 1522 में हमारे पास मैगलिन एक्सपेडिशन आती है। वो उसने अपनी एक मुहिम स्टार्ट की थी मैगलिन ने। फिर 1558 में एलिजाबेथ वन, जो कि इंग्लिश थी यानी कि इंग्लैंड की क्वीन थी, वो क्वीन बनी। 1565 में सेंट ऑगस्टिन और फ्लोरिडा फाउंड हुए। ये एक पूरी टाइमलाइन है, ठीक है। आप इसको जो है ना, मैं तो यही कहूंगी कि एक तरह का रट्टा मार लें आप, क्योंकि ये एमसीक्यूज में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको एक बताया जा रहा है ओवरव्यू के आगे हम क्या देखेंगे। 1587 में जो है उन्होंने रोनक कॉलोनी स्टैब्लिश करने की कोशिश की। 1603 में हमारे पास जो जेम्स वन थे वो इंग्लिश किंग बन गए। ये हम लोग डेट्स इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इन इवेंट्स पे आगे अमेरिका पे ये डेट्स बहुत ज्यादा असरअंदाज करती हैं। 1607 में हमारे पास जेम्स टाउन बना। 1608 में हमारे पास फ्रेंच स्टैब्लिश फ्रेंच ने एक क्यूबेक कॉलोनी स्टैब्लिश की। 1609 में जो स्पेनिश थे उन्होंने सेंटा फे को फाउंड कर लिया। अच्छा, आगे हम देखेंगे ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम ये सारी हिस्ट्री पढ़ क्यों रहे हैं। आप लोगों को लगेगा कि हम इतनी पुरानी हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके पढ़ने का मकसद ये है कि अब उस तरह की सिचुएशन नहीं रही, क्योंकि सीएसएस जो है वो बहुत ज्यादा एडवांस होता जा रहा है। तो अब वो वाले हालात नहीं है कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ें और आपको एक पेपर आ जाए। इसीलिए यही वजह है कि अमेरिकन हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री ऑफ यूएस है, इसमें फेलियर का रेशियो बहुत ज्यादा है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ इसमें इस सब्जेक्ट में लोग बहुत ज्यादा फेल होते हैं तो हम ये सब्जेक्ट ही छोड़ दें। अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले तो हमें अपना जो है वो एसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एसे में फेलियर की रेशियो बहुत ज्यादा है। मसला ये है कि हम लोग जो उसकी रूट कॉज है उसको फिगर आउट ही नहीं करते। आखिर मसला क्या है, क्यों इतने लोग फेल हो रहे हैं। मसला ये है कि हम लोग बहुत एक ऊपर ऊपर से स्टडी कर लेते हैं, फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आप इसको पास भी कर ले, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, ये देखें, ये सीएसएस 2023 का एक क्वेश्चन आया था पास्ट पेपर। उसमें ये क्वेश्चन किया गया है, डिस्कस इन डिटेल हाउ द आयरोकियन पीपल एंड देयर कल्चर ट्रेड्स आर एसोसिएटेड विद अर्ली अमेरिकन हिस्ट्री। यानी डिटेल में बताएं कि जो आयरोकियन पीपल हैं उनके क्या कल्चर ट्रेड्स थे और वो किस तरह से एसोसिएटेड थे अर्ली अमेरिकन हिस्ट्री के साथ। ये शायद मैंने क्वेश्चन थोड़ा हाफ लिखा है, और इसमें नेक्स्ट पार्ट ये था कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ने क्या असर किस तरह से असरअंदाज किया अमेरिकन हिस्ट्री को, कि जो आज का अमेरिका है उसको किस तरह से शेप किया, ठीक है। ये आप सीएसएस 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन देख सकते हैं। अच्छा, अब हम पीछे चलते हैं कि हम हिस्ट्री पढ़ क्यों रहे हैं, इतना डीपली हमने जाना क्यों है। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। उसमें हम अब साउथ अमेरिका की बात करेंगे। जैसे मैंने आपको मैप पे पहले दिखाया, ये साउथ अमेरिका है, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स और मेक्सिको। तो अभी हम सिर्फ साउथ की बात करने लगे हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले है तो ये बहुत कॉमन सी चीज, लेकिन मैं फिर भी आपको बताती चलूं, अक्सर माइंड से स्किप हो जाता है हम लोगों के। डायरेक्शंस हैं ये हमारे पास, अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो इसका मतलब है कि मैप के ऊपर का जो एरिया है उसकी बात हो रही है। साउथ की बात करूं तो ये नीचे का एरिया है, और ईस्ट की बात करूं तो ये राइट साइड का जो भी मैप का एरिया होगा, और वेस्ट की बात करूं तो लेफ्ट साइड का, ठीक है। और ये तो पता ही है, नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान का एरिया नॉर्थ वेस्ट होगा, और साउथ और वेस्ट के दरमियान का एरिया साउथ वेस्ट होगा, और ईस्ट और साउथ का दरमियान का साउथ ईस्ट होगा, और ये हमारे पास नॉर्थ ईस्ट आ गया। अच्छा, अभी हम साउथ की बात कर रहे हैं, तो अभी हम ये जितनी भी ये पढ़ेंगे एम्पायर्स वगैरह, ये सारी साउथ की हमारे पास एम्पायर्स हैं। अर्ली सिविलाइजेशंस जो थी वो सबसे पहले, मतलब जो लोग आए ना वो साउथ अमेरिका में हमारे पास आए, तीन जगहों पे हमारे पास आए। जो अर्ली सिविलाइजेशंस इमर्ज हुई ना, जो जहाँ पर लोगों ने प्रॉपर रहना शुरू किया और कॉलोनीज बनाई अपनी, नेटिव अमेरिकन्स की ये बात हो रही है, ठीक है। अभी तो वो सबसे पहले साउथ अमेरिका में लोग आए, फिर सेंट्रल अमेरिका, और उसके साथ मेक्सिको को उन्होंने आबाद किया। अच्छा, जो तीन हमारे पास जो मेजर जिनका क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका एम्पायर पूछी जाती है, ठीक है। और मिजो अमेरिकन में हमारे पास एक मिजो अमेरिका में माया सिविलाइजेशन और एक एस्टक की जाती है, ठीक है।